सवाल नंबर 13 का आगे देखते हैं। पहले एलएसडी निकालना है, फलन तत्व निकलवा लिए थे ना सवाल नंबर 13 में, एलएसडी बराबर सूत्र क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस सी एच माइनस सी एफ ए अपॉन माइनस सी एच, यहाँ पे एफ ए माइनस सी एच रहेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए की जगह हमको क्या लेना है, यहाँ पे जीरो पर जांच करनी है ना, तो जीरो माइनस सी एच माइनस एफ जीरो अपॉन क्या माइनस सी एच। मान रखने पर, सारे मान रख दिए जाए, ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मान क्या पता है हमें, एफ जीरो माइनस एच का मान क्या आया था, माइनस सी एच अपॉन ये सर। ये इस तरह से, और माइनस एफ जीरो का मान जीरो है और नीचे क्या रखना है हमको, माइनस एच। देखो ये ऊपर वाली भिन्न है और ये नीचे वाली भिन्न है, देख रहे हो, तो इसके नीचे क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो ना, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे माइनस जीरो का तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो देखो एक पद, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, अर्थात एक जाएगा माइनस एच के पास, और माइनस एच तुम्हारा आएगा यहाँ नीचे इस एक प्लस एक बट्टे एक पावर वन वन अपॉन एच के पास जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच का गुणा एक हो जाएगा और ये इसी के नीचे आ जाएगा, माइनस एच कोष्ठक में वन प्लस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच हो गया। उसके बाद देखो एच से एच क्या हो गया, कट गया, तो h की वैल्यू रखने पर क्या इसका मान इनफाइनाइट आएगा, h की वैल्यू रखने पर क्या इसका मान इनफाइनाइट आएगा, अभी देखो h बराबर जीरो रखने पर, जब तुम h बराबर जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, लिमिट खत्म, एक बटे एक प्लस फिर एक बटे e की घात एक बट्टे एच की जगह जीरो रखोगे ना, फिर क्या होगा, एक प्लस एक बट्टे फिर एक प्लस क्या बोले, एक बट्टे एक प्लस फिर एक बट्टे e की घात इस एक बट्टे जीरो का मान क्या होगा जी, इनफाइनाइट हो गया। तुम लोग तो कहे इनफाइनाइट है भी नहीं करेगा, e की घात क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब e की घात इनफाइनाइट लगा दिए तो उसका मान क्या हो गया, किसी की घात इनफाइनाइट लगा दोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, e का इनफाइनाइट बार बुरा, मतलब e गुड़े e गुड़े e गुड़े e गुड़े पता नहीं बार, तो क्या आएगा, पता नहीं तो आएगा, जब पता नहीं बार पूरा कर रहे हैं पता नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एक बट्टे इनफाइनाइट बराबर क्या होता है जी, जीरो होता है, एक बट्टे जीरो बराबर इनफाइनाइट था ना, जीरो को भेजोगे उधर तो इनफाइनाइट नीचे नहीं आ जाएगा, देख रहे हो बात वही है, एक बट्टे इनफाइनाइट बराबर क्या आ जाएगा जीरो, तो एक बट्टे एक प्लस इसका मान क्या हो गया जीरो, फाइनली एक बट्टे एक बराबर कितना आ गया जी, एक आ गया, ये क्या है, एलएसडी है ना,
इसी प्रकार से आर एच डी निकालते हैं, तो आर एच डी बराबर सूत्र लिख लो पहले, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको डायरेक्ट लिखते हैं एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, हो गया ना, जीरो पे जांच करना था तो जीरो प्लस एच रखना, मान रखा जाए, मान रखने पर क्या होगा जी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो गया। उसके बाद देखो इस एफ जीरो प्लस एच का मान रखना है, क्या निकाले थे एफ जीरो प्लस एच का मान, क्या निकाले थे जी, एच बट्टी एक प्लस वही है क्या इसका, ये था ना सर एच अपॉन वन प्लस बी की पावर वन अपॉन एच माइनस इसका मान जीरो और नीचे क्या था एच, अरे उसमें ई की घात माइनस एक बट्टे एच था तभी तो उसको भिन्न पलट के नीचे लिख गए थे, लेकिन इसमें तो प्लस रखना था तो प्लस ही तो रहेगा, ऊपर ही रहेगा इसमें, इसमें नीचे एक बट्टे नहीं रहेगा, याद रखते रहना, हो गया। अब देखो इसमें भी तुम एच के बट्टे क्या लिख सकते हो, एक वही प्रक्रिया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ही जाएगा नीचे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच बचा ऊपर, ये एच रह गया नीचे, और अंदर बचा वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एच, ये क्या हो गया कट गया, एच बराबर क्या रख सकते हो, अब जीरो रख सकते हो, ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, नीचे देखो वन प्लस ई की पावर वन अपॉन क्या जी जीरो, अर्थात वन प्लस ई की पावर वन अपॉन जीरो का मान इनफाइनाइट, तो देखो वन प्लस ये वन अपॉन वन प्लस इसका मान क्या हो गया इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा पता नहीं, एक जोड़े पता ही नहीं तो आएगा, जब फुल पता नहीं तो भी पता नहीं, क्या हो गया इनफाइनाइट ही हो गया, अब एक बट्टे इनफाइनाइट का मान जीरो, ये किसके बराबर आया जी, आर एच डी के बराबर आया, क्या एल एच डी आर एच डी बराबर है नहीं, तो एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं होगा, हो जाएगा, कहां तुम लोग को नहीं आ रहा था है? तुमको लगता है दोनों एक से ही उतार लिया था, दोनों एक से उतार लोगे तो वही आएगा, सवाल नंबर आठ, एफ एक्स बराबर क्या क्या दिया गया जी, एक्स साइन एक बट्टे एक्स कब दिया है, जब एक्स नॉट इज इक्वल जीरो हो गया, और जीरो दिया है कब, जब एफ इज इक्वल जीरो, सही लिखे ठीक, कह रहा है सतत है परंतु अवकलनीय नहीं, तो सतत हम कहें को दिखाएं, सतत क्यों दिखाएं, सतत में यही एग्जाम्पल बताएं, सतत में यही सवाल एग्जाम्पल में बताया गया, अगर इसके पीछे अभ्यास में चेक करोगे तो शायद कौन से सवाल में है, उदाहरण में था क्या, उदाहरण था, उदाहरण उदाहरण नंबर आठ, इसको एग्जाम्पल में लगवाया गया और इम्पोर्टेंट बोल के लगवाया गया, तो सतत तो हमें दिखाना नहीं है, क्योंकि सतत तो हम दिखा चुके हैं, दिखा लेंगे फिर से उतना बड़ा लगाने कोनो मतलब नहीं है, हम अवकलनीय की चर्चा कर लेते हैं, सवाल में कह रहा है दिखाइए कि जो फलन है सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, ठीक है, तो सतत वाला तो हम पीछे देख चुके हैं, एग्जाम्पल से हल कर लेंगे, सतत हो जाएगा, परंतु हमें दिखाना है अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं की भी चर्चा क्या करनी होगी, संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में लिखेंगे x बराबर a, जीरो है ना, जीरो इधर x बराबर जीरो प्लस h, और इधर x बराबर हमें पता है पीछे जाने पे घटता है आगे जाने पे बढ़ता है, तो इसके लिए fx कौन सा लेंगे, तुम बताओ जी, इधर वाले के लिए fx कौन सा लेंगे,
एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स। क्यों जी? क्योंकि जीरो में से कुछ घट रहा है तो जीरो से छोटा हो जा रहा है ना, तो यहाँ तो छोटा बड़ा बराबर वाला ऑप्शन ही दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जीरो से कुछ घट रहा है तो मतलब जीरो के बराबर नहीं है वो, हो गया ना। तो कौन सा लेना है? ऊपर वाला। यहाँ पे तो एफ एक्स बराबर क्या लेना है जी? क्या लेंगे? जीरो ही लेंगे। यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या लेंगे? फिर से एक्स साइन एक बट्टे एक्स, क्योंकि इधर भी जीरो में एक्स जोड़ दिए तो जीरो के बराबर नहीं होगा वो। जीरो के बराबर नहीं है तो कौन सा फर्क जीरो के बराबर नहीं है? यही वाला है, देख रहे हो। अब काम करना शुरू करो। वाला नंबर एफ ए प्लस एच के लिए एफ एक्स बराबर क्या है जी? एक्स साइन वन अपॉन एक्स। तो एक्स बराबर किस पर रखना है हमको? जीरो। उल्टा लिख लिखा, ठीक तो है। एक्स बराबर जीरो प्लस एच पर, तो एफ जीरो प्लस एच बराबर जीरो प्लस एच इंटू साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच। ध्यान से देखना, तो एच इंटू साइन वन अपॉन क्या हो जाएगा? एच। कोई गलती हो गया? उसके बाद दूसरा नंबर आ जाओ, एफ ए माइनस एच के लिए। अगर एफ ए माइनस एच निकालना चाहते हैं तो इसका भी तो एफ एक्स वही है। क्या है एफ एक्स इसका? माइनस वाला भी तो यही है, दिख रहा है। क्या होगा जी? एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स। आगे क्या कर सकते हैं? मान रखेंगे एक्स बराबर किस पर? जीरो माइनस एच पर। तो एफ जीरो माइनस एच, आधे में करके लगा देना चाहिए था इधर, चलिए जी ठीक। देखो यही लगा देते हैं इसके बगल में, एफ जीरो माइनस एच यहाँ पे बराबर जीरो माइनस एच इंटू साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच। यहां तक ध्यान देने वाली बात है, माइनस एच इंटू साइन इसमें बचेगा, माइनस वन अपॉन एच बचेगा जी, बचेगा। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, तो माइनस एच तो पहले से ही है, माइनस एक्स और बाहर आ जाएगा इसका वाला, और अंदर क्या बचेगा? साइन वन अपॉन एच। सूत्र हमने कौन सा प्रयोग किया है? साइन माइनस थीटा बराबर क्या? माइनस साइन थीटा कट गया तो बच गया एच साइन वन अपॉन एच, देख रहे हो। ये हो गया तीसरा। किसके लिए जी? एफ ए के लिए। एफ ए के लिए एफ एक्स बराबर तो जीरो ही दिख रहा है, तो एक्स बराबर किस पर? जीरो पर, अर्थात एफ जीरो बराबर क्या आया? जीरो। ये तीनों मान निकल गए। अब निकाल रहे इसको, तो मेरे से याद की एक साथ बताए। मिटाते हैं और अपने सवाल पे आते हैं। पहले निकालना है एल एच डी, नंबर एक। एल एच डी बराबर सूत्र लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ डायरेक्ट लिखा जाए जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन क्या? माइनस एच। जीरो पे जांच करनी है ना, इसलिए जीरो माइनस एच लिख रहे हैं। मान रखा जाए एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू क्या निकाले हम लोग? एच इंटू साइन वन अपॉन एच माइनस इसकी वैल्यू जीरो। फिर नीचे क्या है?
माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच साइन वन अपॉन एच, और इस माइनस को सामने कर दें तो कौनो गलती नहीं है। एच से एच क्या हो गया, कट गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस बचा साइन वन अपॉन क्या बचा, एच बचा ना। तो आएगा क्या, एच बराबर क्या रखने पर, जीरो रखने पर, ध्यान देने वाली बात है, जब एच बराबर जीरो रखेंगे तो ये नीचे हमको दिखा था माइनस साइन वन अपॉन एच दिखा था ना, तो लिमिट तो हट गया, माइनस साइन वन अपॉन क्या आ गया, जीरो, अर्थात माइनस साइन के अंदर कितना डिग्री आ गया जी, इनफाइनाइट डिग्री। अब लेकिन हमको एक बात का ज्ञान होना चाहिए, साइन के अंदर कुछ भी अंत लगा दो उसका मान प्लस एक से माइनस एक के बीच ही होगा, उससे अलग नहीं हो सकता, चाहे हजार दो हजार पचास लाख इनफाइनाइट क्यों ना लगा दो। तो प्लस एक से माइनस एक के बीच परिमित मान यही होगा ना, ये हमारा कौन आ गया जी, LHD, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं मिली, कि मिला तो कुछ भी मिला, इनफाइनाइट तो नहीं मिला, तो इसलिए सत्य माना जाएगा ये। RHD बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस सी एच माइनस एफ जीरो अपॉन क्या, एच। तो मान रखा जाए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू है एच साइन वन अपॉन एच माइनस जीरो अपॉन क्या, एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच साइन वन अपॉन एच अपॉन एच, एच से एच कट गया, देखो एच की वैल्यू यहाँ पे अब जीरो रख सकते हैं ना, तो एच बराबर क्या रखने पर जी, जीरो रखने पर साइन वन अपॉन जीरो, साइन क्या इनफाइनाइट, मतलब प्लस एक से माइनस एक के बीच क्या परिमित मान, क्या एल एच डी आर एच डी के बराबर है, एल एच डी आर एच डी के बराबर है, क्यों नहीं बराबर, चिन्ह विपरीत है, आएगा तो दोनों एक ही, कुछ भी आए आएगा ना, लेकिन ये वही माइनस में आएगा और ये किस में आएगा, उसका उल्टा चिन्ह प्लस में आएगा, अगर ये प्लस में आया तो ये उसका उल्टा चिन्ह किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि चिन्ह बदला हुआ है, दिख रहा है ना। तो एल एच डी नॉट इज इक्वल आर एच डी, इसलिए फलन एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, हो जाएगा। जहाँ पे सफलता सिद्ध करवाए हैं तनिक वहां पे दिमाग और चलाओ, बाल हटवा दियो दिमाग के अंदर, चलना चाहिए एच साइन वन अपॉन एच था ना, ध्यान देना, एच साइन वन अपॉन एच, एच की वैल्यू को हमने जीरो रखा तो जीरो पूरा साइन वन अपॉन जीरो हो गया था ना, हुआ था कि नहीं हुआ था, बस तो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो तुम्हारा एच कट जा रहा है ना ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, उसमें एच कटा नहीं था, सामने एच था, तो जीरो पूरा रखा गया, और जीरो में तो किसी का पूरा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो ही हो जाएगा, वही तो हुआ है, दिखाई दिया मिला ही नहीं, ध्यान से देखो तब बताना। अगर तुम लोग सवाल नंबर ये वाला लगाए होगे, कौन सा सवाल नंबर 20,
सवाल नंबर 20, तब इस दुविधा से गुजरे होगे वहां पे, क्योंकि सवाल नंबर 20 में देखो साइन वन अपॉन एक्स दिया है कि नहीं दिया है, साइन वन अपॉन एक्स आएगा मतलब साइन इनफाइनाइट आएगा, साइन इनफाइनाइट आएगा ना, साइन इनफाइनाइट आएगा तो उसका मान प्लस एक्स के माइनस एक्स के बीच एक परिमित मान होगा, और माइनस साइन इनफाइनाइट आएगा तो माइनस में प्लस एक्स के माइनस एक्स के बीच परिमित मान होगा, लेकिन हम प्लस का कोई लगा ही नहीं 19-20 नंबर सवाल, लगाया हुआ तो उसको ध्यान से देखो सुविधा से मिलेगा तुमको, यही एकदम है। और जबकि सतत में देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा है उसको, देखो उसमें जीरो क्यों हो गया था, इसमें देखो नीचे एच हमारे फॉर्मूले में है, इसलिए नीचे वाले एच से ऊपर वाला एच क्या हो गया है, कट गया है, दिखाई दे रहा है, जबकि वहां पे तो नीचे एच होता नहीं है, खाली एल एच एल निकालते हैं तो नीचे एच होता नहीं है, तो एच से एच कटेगा नहीं, इसलिए वहां पे एच की वैल्यू जीरो रखते समय जीरो का गुणा करने पर वो पूरा जीरो हो जाता है, समझ गए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान देना सवाल नंबर 10 का बता रहे, इसमें तुम्हारा एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स दिया है, दिख रहा है, तो करना क्या है इसमें, पहले एफ एक्स बराबर एक बारी प्लस एक्स मानोगे और एक बारी माइनस एक्स मानोगे, हो जाएगा, कब कब मानोगे, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और ये वाला जब एक्स इज लेस देन जीरो, हो जाएगा, अब इसको अवकलनीय सिद्ध कर देना, सिद्ध कर लोगे, अवकलनीय सिद्ध करने के बाद जो इसका एलएचडी आएगा, क्या आएगा, एलएचडी वही एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स बराबर एलएचडी बराबर आरएचडी, आया समझ में, एफ डैश एक्स बराबर एलएचडी बराबर आर एच डी, कोई फलन अवकलनीय कब होता है, जब उसका एल एच डी बराबर आर एच डी, अवकलनीय का मतलब उसका हम अवकलन कर सकते हैं, और इस एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, फलन का एक बार अवकलन, क्या है, फलन का एक बार अवकलन, तो कोई फलन अवकलनीय कब हुआ, जब उसका एल एच डी बराबर किसके हुआ, आर एच डी के हुआ, और फलन का अवकलन करने के लिए हमको एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, इसका मतलब जो फलन का अवकलन होगा वो एल एच डी के बराबर होगा, और एल एच डी बराबर किसके होता है, आर एच डी के, तो तुम्हारा एल एच डी और आर एच डी का जो मान आएगा वही किसका मान होगा, एफ डैश एक्स का मान होगा, और हमको किसका वैल्यू निकालना है, एफ डैश तीन का निकालना है ना, देख रहे हो, तो जहाँ पे एक्स दिखेगा इसी में एक्स बराबर क्या रख देना, तीन रख देना, हो जाएगा ना, फलन तो हमने बनवा दिया, बनवा दिया नहीं बनवा दिया, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, तीनों दिखा कि नहीं दिखा, एफ ए प्लस एस एफ ए और एफ ए माइनस एस मिल जाएगा तुमको, अवकलनीयता की जांच कर लेना, तो लिखना हाँ ये फलन अवकलनीय है, हाँ ये फलन अवकलनीय है, अवकलनीय करने के बाद उसको क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स बराबर एल एच डी बराबर आर एच डी, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें एक्स बराबर क्या रख दोगे, तीन रख दोगे, तो तुमको एफ डैश तीन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा जी, एफ डैश तीन, जो आएगा वही उत्तर हो, कितना लिया ना, एक लिया ना, एक आ जाएगा ना, हल करके दिखाना, चलो नोट कर लो, इतना कर क्या ना, घर से